शमशाबाद में नवनिर्वाचित विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के समर्थकों ने आभार यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। प्रचंड मतों से विजय होने वाले मतदाताओं का आभार जताया। इस दौरान पत्रकार वार्ता कर विधायक मीणा ने कहा कि चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी भी घोषणाएं शमशाबाद के विकास हेतु की है उनका पालन किया जाएगा। 10 CM राइज स्कूल नहरों से वंचित क्षेत्र में किसानों के लिए नहर सहित क्षेत्र में जो भी आवश्यकता है जनमानस के लिए जरूरी है उनकी पूर्ति प्राथमिकता के साथ की जाएगी। देखिए, चुनाव के दौरान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जो सभा हुई थी, सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया था, जनता को उसी से अंदाजा लग गया। मंच से उन्होंने कहा था कि शमशाबाद क्षेत्र के लिए जो बन पड़ेगा विकास के कार्य वो मैं करूँगा, और इन विकास के कार्यों में धन की कमी कभी आड़े नहीं आने दूंगा। और आपने सब देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने उस समय 10 CM राइज स्कूल केवल शमशाबाद विधानसभा के लिए स्वीकृत करने की बात भी मंच के माध्यम से कही थी। तो निश्चित रूप से उस भाषण के माध्यम से और मैं अपनी तरफ से भी शमशाबाद की संपूर्ण विधानसभा का जो कमियां रही हैं विधानसभा में, चाहे सड़क की आवश्यकता हो, बिजली की आवश्यकता हो, शिक्षा के लिए स्कूल की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की जरूरत हो, या पेयजल के लिए पानी की जरूरत हो, या खेतों की सिंचाई सुविधा के लिए पानी की आवश्यकता हो, ये सारे विकास के कार्य मैं करने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक गरीब जनता का सवाल है, जो मध्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब में किस स्तर पर रुकावट हो रही है, कोई हितग्राही यदि उस योजना का लाभ लेने से वंचित है तो उसको लाभ दिलाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा।